मध्य प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में सीधी में हुई घटनाक्रम के पश्चात एक के बाद एक मामले सामने आने लगे। ऐसा ही एक मामला शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले मोहन बड़ोदिया क्षेत्र में देखने को मिला। यहां एक दलित दूल्हे की बारात निकालने के दौरान डीजे पर जय भीम का गाना बजाने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दूल्हे पक्ष में से एक व्यक्ति को चोट भी आई है। जानकारी के अनुसार भटेरी गांव में अनिल नामक दलित दूल्हे की बारात डीजे पर निकाली जा रही थी। इसी दौरान डीजे पर जय भीम का गाना बजाया जा रहा था, जिस पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। बातचीत और कहां सुनी से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे मारपीट और पथराव में तब्दील हो गया। विवाद में घायल दूल्हे के रिश्तेदार धर्मेंद्र ने बताया कि मेरी मौसी के लड़के की बारात निकाली जा रही थी, इसी दौरान डीजे पर जब जय भीम का गाना बजाया गया तो गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया और हम लोगों पर पथराव कर दिया। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दबंगों द्वारा जानबूझकर दलित समाज के दूल्हे की बारात को रोककर विवाद किया गया। वहीं इस मामले में मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी भरत सिंह किरार ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद दोनों पक्षों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि विवाद में दलित परिवार के धर्मेंद्र के सिर पर चोट आई है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मनोहर सिंह राजपूत, शक्तिपाल राजपूत, बलराम सिंह राजपूत सहित चार लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष से बीच बचाव में आए अजय सिंह राजपूत की शिकायत पर विनोद पिता शिवलाल, धर्मेंद्र पिता रमेश चंद्र, देवीलाल पिता कालूराम और गोविंद पिता शिवलाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दलितों पर हो रहे इस अत्याचार पर आपकी क्या राय है, आप हमें बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।